सब ठीक है? ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था गोल्स डिसाइड करने का। राइट, गोल डिसाइड करने के लिए ये देखो, जब आप गोल डिसाइड करते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि मैंने यहाँ पे गोल सेट कर लिया, मेरी लाइफ ऐसे जाएगी सीधी 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 और ये मैंने अचीव किया। ऐसा नहीं होता। जब आप गोल सेट करते हो और जब आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, डाउट होता है। फिर आप कुछ सीखते हो, लर्न करते हो, लेकिन लर्न करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे चैलेंज जो आपने सोचे नहीं होता यार ये भी करना पड़ेगा, वापिस यू फेल अगेन, यू राइज अप एंड देन प्रैक्टिस, और फिर से घूमती है फीलिंग लॉस्ट। आपको यही नहीं पता रहता सच में मैं जा कर अपनी डायरेक्शन क्या। उसके बाद यू शुड स्टार्ट गेटिंग योर पॉइंट्स, देन अगेन स्ट्रगल एंड देन यू अचीव। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, बट यू हैव टू एंजॉय एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट। ये जो जर्नी होती है ना यहां से लेके यहां तक, अगर आप यहीं पर डिप्रेस हो जाओगे ना तो मजा नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे पहुंच भी जाओगे तो भी मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सबको एंजॉय, जर्नी को एंजॉय करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ तक पहुंचो ना पहुंचो, लेकिन आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी पहुंचे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते, सिर्फ पेज में ये लिख के बंद, और उसके किसी दिन आपकी मम्मी कप ले लेती है। मतलब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पहुंचते हो ना यू विल फील अ सेटिस्फेक्शन, एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राइट, अच्छा एक बात और, आपको कितनों का लगता है कि टैलेंट ज्यादा जरूरी है कि हार्ड वर्क? क्या होना चाहिए सर, हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि टैलेंटेड होना चाहिए? दोनों तो वैसे बहुत, दोनों तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा क्या जरूरत है? टैलेंट जरूरी है। कितने लोगों को लगता है हार्ड वर्क भी जरूरी है? आप लोगों को कुछ लगता है टैलेंट जरूरी है? मानते हो ना हार्ड वर्क भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? टैलेंट सिर्फ 5% और हार्ड वर्क इज 95%। आपको लगता है कि अगर हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, अगर टैलेंटेड होगा लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, तो जो हार्ड वर्किंग वाला इंसान होगा ना उसे पीछे रह जाएगा। कंसिस्टेंसी जो मैंने लिखा 95%, ये इतना जरूरी है। उबासी आ रही है? एंजॉय कर रहे हो यार आप लोग सेशन को? यस सर। एम आई एबल टू ऐड सम वैल्यू इन योर लाइफ? यस सर। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, और टैलेंटेड होना ठीक है, बट वो टैलेंट एक टाइम पे ना काम करना बंद कर दे। आपको हार्ड वर्किंग कंसिस्टेंट, उस टैलेंट पे भी मेहनत करते रहना पड़ेगा आपको। आप लोग जीत जाओ। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ ऐसी प्रैक्टिस अगर आप उनको करोगे ना, तो आपको एक यू विल बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू विल बिकम लाइक 2.0 जो कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड डू द गिवर प्रैक्टिस, एंड दिस इज योर पाथ टू ग्लोरी, टू बी सक्सेसफुल। नाउ व्हाट इज गिवर? जी स्टैंड्स फॉर ग्रेटिट्यूड। जो मैंने अभी बात किया ना, आपके पास रहने को अच्छा घर है, खाने को अच्छा खाना है, वो ब्लेसिंग्स, आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो। पेन और पेपर लेके घर जाके एक बार देखना कि ऐसी क्या चीज है जो दूसरों के पास नहीं है लेकिन मेरे पास है। कुछ भी हो सकता है। ग्रेटिट्यूड सुबह सुबह उठ के, ये जो प्रैक्टिस होती है अगर आप हर रोज करोगे तो आप इतने काम डाउन हो जाओगे, अपने इमोशंस को इतना सेटलिंग डाउन करने में कामयाब हो जाओगे कि कोई भी आपको यू नो गुस्सा, फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग वो आएगा नहीं आपके। सेकंड, इमेजिनेशन। अपने आप को ऑलरेडी इमेजिन करो कि आपने जो गोल सेट करा है, जो भी आप यहाँ पे पहुंचने वाले हो ऑलरेडी पहुंच गए हो। इमेजिन दिस थिंग कि यू ऑलरेडी बिकम सक्सेसफुल। और जो इमेजिनेशन होता है ना, जब आप वहां पे पहुंच जाते हो, आपने देखा है सक्सेस बहुत लोगों का दिमाग खराब करके, जब आप वो लोग के पास नाम पैसा शोहरत आ जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, उनका बिहेवियर बदल जाता है, मैंने बताया ना आपको पहले। लेकिन जब आप ये वाला प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पहले ही करोगे तो आपको पता रहेगा कि उस टाइम पे फीलिंग्स क्या होती है, और उनको काम डाउन और सेटल डाउन करने में बड़ी हेल्प। एक्सरसाइज,
जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस करा, कुछ ऐसा करो जिससे ब्लड थोड़ा पंप हो सुबह सुबह, कुछ रनिंग हो गया, घर पे ही कुछ काम कर लिया घर का, आई मीन यू डू समथिंग, यू शुड स्वेट एटलीस्ट फॉर 5-10 मिनट्स एंड आर फॉर रीडिंग. नाउ रीडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी एकेडमिक्स या कोर्सेज की बुक्स पढ़ो, कोई भी एक बुक, सेल्फ हेल्प वाली बुक, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाली बुक अगर आप बोलोगे तो मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको, सिर्फ 5 पेज एक दिन में. और वो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब रटना है, कोई एग्जाम होने वाला है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, कोई भी एक बुक, रीडिंग बहुत जरूरी है. अगर आप सिर्फ ये करते हो तो आप उस 1% क्लब में आ जाओगे जो 99% नहीं करते. आपने सुना होगा बड़े बड़े लोगों का जब इंटरव्यूज या कोई रील उसमें भी आती होंगी शायद, कि वो लोग बोलते हैं कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बात बात के बीच बीच में यही करते, पाकिस्तान वाला नहीं क्योंकि जो मार्केटर बोलते हैं वो नहीं, थैंक्स टू अल्लाह वो नहीं, लेकिन जो आपके पास ऑलरेडी है, जो ब्लेसिंग्स हैं, अगर आप उनका डेली भगवान को शुक्रिया अदा करोगे तो आप लोग 1% क्लब में आ जाओगे, दैट इज फॉर श्योर. अनदर वे, सेट ए गोल, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. आप अपने आप को अगले 5 साल में, ये हो गया लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हो गया 1 साल में या 3 साल में, कहाँ देखते हो अभी आप, जैसे 12th में हो आपको करके जाओगे, आप लोगों का अभी से ड्रीम्स होंगे, गोल होगा कि मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए और मेरे को ये करना, मेरे को इंजीनियरिंग करना है, मेरे को नीट करना है, IIT करना है, जो भी करना है, उसका एक गोल होना चाहिए, राइट. लर्न ए न्यू स्किल्स इन एवरी 6 मंथ्स. आपको पता है आप जब यहाँ से पढ़ लिख के जाओगे बाहर तो आपको ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में यू कैन गेट ए गुड जॉब, बट जो एक्स्ट्रा स्किल्स होंगे ना, मैनेजर्स हमेशा उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं. वो आज की डेट में गूगल करो, यूट्यूब करो कि वो top 30 पेइंग स्किल्स क्या है जो आज के ज़माने में रेलिवेंट है, उन स्किल्स को पढ़ो, उन पर काम करो. हर 6 महीने में एक नई स्किल, साल की 2 नई स्किल, कोई भी नहीं करता ये. और इंटरनेट पे ऐसे ना बहुत कम 199-299 रुपीस में ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको वो स्किल सिखा देंगे. यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल होता है, आप वो लोग देख सकते हो. तो एक स्किल कोई भी, हर 6 महीने में एक स्किल, ज़्यादा तो नहीं है ना टाइम, आप आराम से सीख सकते हो. और आप खुद भी कॉन्फिडेंट करोगे जब कहीं अप्लाई करोगे तो अपने CV पे, रेज्यूमे पे लिखोगे कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, तो वो खुद हैरान रह जाएगा कि बिना एक्सपीरियंस के अभी जस्ट बंदा स्कूल से निकला है और उसके पास इतनी सारी स्किल्स हैं. वो इंटरव्यू भी बस फॉर्मेलिटी होगी. पर्सनल फाइनेंशियल लर्निंग, ये बहुत जरूरी है. आप अभी से ना अपना फाइनेंस को लर्न करना सीखो, कैसे प्लान कर सकते हो अपने फाइनेंस को. आपको पॉकेट मनी मिलती है, कुछ मिलती होगी, 800 रुपये महीना मिनिमम, कितने तो दे देते हैं. वो पैसे बचाना सीखो और अपने ऊपर इन्वेस्ट करो. ये पैसे है ना, आपको ऐसे ऐसे स्किल सिखाने में हेल्प कर देंगे, और वो नहीं पैसे बचा के कहीं पे फोन या पार्टी वार्टी कर दिया, वो सब नहीं करना. ये पैसे बचा के ना एक ऐसी जगह पे एक गोल बनाओ कि मेरे को ये करना है, इन पैसों को बचा के. इन्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी बात करी, आपका माहौल कैसा है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. अपने आसपास नेगेटिव पीपल से बातें बातें करना छोड़ दें. जो भी नेगेटिव बातें करता है, जो भी आपको ये बताता है ना, कोई जैसे बात कर रहा है, आपका एक गोल है, एक सेट है कि मेरे को इतने टाइम पे यहाँ पे पहुँचना है, और दूसरा जो कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई पड़ोस में कोई है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो स्कूल से जाने के बाद, अगर उसका गोल आपके गोल के साथ मैच नहीं कर रहा है ना, छोड़ दो. और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कट कर लो, बट उसके साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दो, क्योंकि वो बिना गोल के रहेगा, बिना पर्पज, बिना पैशन के रहेगा, और वो आपको भी उसी तरह बना देगा, और आप जिनके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे. स्पेंड योर टाइम बाय रीडिंग बुक्स, ग्रेट पर्सनैलिटीज को पढ़ो. जब आप ऐसा कोई काम, गर्ल्स जो थोड़ा बहुत हेल्प कराते हैं घर के काम में, ऐसे ऑडियोज, ऐसे वीडियो चला के मोबाइल में छोड़ दो जो अच्छी अच्छी बातें मोटिव, जो आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, यू नो, आपका माइंड वैसा ही उसी जोन में रहेगा. फिर जब आप रनिंग करते हो या फिर आप स्कूल आते हो या फिर स्कूल से घर जाते हो, कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, ऑडियो लगाओ यार. एक बहुत सारे ऐसे ऑडियोज होते हैं जो आपको नहीं कम एनर्जी से भर देते, आपका जोन हमेशा पंप अप होना चाहिए, एकदम एंथुसियास्टिक कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है.
बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। जब आपका एनवायरमेंट सही रहेगा, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी रहेगी, तो आपका ऑटोमेटिक माइंडसेट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, लाइन के जैसा, लाइनेस के जैसा। ऑलराइट, शैटरिंग लिमिटिंग बिलीव्स। मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, ये सब लिमिटिंग बिलीव्स है। मैं टॉप कर ही नहीं सकता, मैं मैथ में अच्छे नंबर ला ही नहीं सकता, मेरे को नहीं आता समझ में साइन थीटा गामा का क्या होता है। नहीं, अपने आप से तो आई एम द बेस्ट इस चीज में, नहीं तो उस चीज में, लेकिन मैं हूं। हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा रहता है, लेकिन इसमें मैं हूं। दिस इज योर पाथ टू ग्लोरी। कैसा लगा आपको? क्या नाम आपका? निखिल। निखिल कुमार शर्मा। सिर्फ निखिल है? कहाँ से हो आप? मिर्जापुर से। 11th में? 12th में। 12th में क्या लिया आपने? नॉन मेडिकल। आगे क्या बनना है आपको? आपका आई मीन कुछ सोचा है आपने कि आगे कौन से कॉलेज में जाना है? 12th में इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं, अच्छा 12th में कितने मार्क्स लेके आने का गोल है आपका? जी मैरिट, मैरिट 80% से ऊपर होता है, 80% से ऊपर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज आर डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ना रेंज में डिसाइड करो कि मेरे को मैरिट में आना है। 80% भी मैरिट होता है, 90% भी मैरिट होता है। आप बोलो और एक चीज गोल ऐसा सेट करो जिसमें आपको खुद को सोचने में पसीना आ जाएगा, ये होगा नहीं होगा। जब आप स्टार्स का गोल करके जाओगे ना, तो अब आप आसमान में पहुँच गए। आप 80 का करके जाओगे तो हो सकता है आप 70-75 को करके जाओगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है? बढ़िया बढ़िया। तब आप खड़े, आपका, आपने सुना मुझे, आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या है? आपको क्या लगता है कि जो ऐसी कोई चीज जो कुछ भी आप करने के लिए जाते हो लेकिन अंदर से आवाज आती है, नहीं? आपका नाम क्या है? हिमांशु। तो हिमांशु, आपको क्या लगता है कि आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या है? कोई भी स्टडीज, कि आप अच्छा नहीं कर सकते स्टडीज में, आप टॉप नहीं कर सकते, राइट? कभी जैसे कोई टॉपिक होता है जो मेरे को नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता, मैं ट्राई करती हूँ करने के लिए, थोड़ा बहुत होता है तो ठीक है, और एकदम नहीं होता ना तो ऐसा लगता है नहीं होता। तो आपने ये वाला देखा है ना, ये बच्चे कामयाब नहीं होंगे, आगे ये होंगे। आप कंसिस्टेंटली जो टॉपिक आपको नहीं आता, कोई चैप्टर, कोई पर्टिकुलर बुक का कोई चैप्टर समझ नहीं आता, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो बार बार, ये मना नहीं करेगा आई एम श्योर। आप उनकी प्रैक्टिस करने लगोगे, जहाँ पे आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करते हो उसमें आधा घंटा सिर्फ आप उस चैप्टर को दोगे, आई एम श्योर यू विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, राइट? देख सकते हो। हाँ जी सर। अच्छा लो बैठे बैठे बताते हो, कौन सी क्लास में हो? खड़ा हो जल्दी। अच्छा नाम क्या है ये बता दो भाई बस। सारे गिर गए हैं पूरा। आप खड़े हो? आप खड़े हो? बिल्कुल कम से कम। कौन सी क्लास में? 11th। 11th क्या लिया आपने? स्ट्रीम कॉमर्स। कॉमर्स कॉमर्स में सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? अकाउंट। अकाउंट्स बैलेंस शीट फेस कर लेता है। आपको क्या लगता है कि आपको जो मैंने बताया हर 6 महीने में एक स्किल, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी 2 स्किल्स है जो आपको सही सीखनी चाहिए, कोई भी आपको मिलती जो आपको आगे आपके फ्यूचर में काम आए? कोई भी हार्ड वर्किंग स्किल नहीं होता है। स्किल्स देखो, स्किल्स का मैं बता दूँ, यूट्यूबर्स होते हैं ना, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फिर उनको एडिट करते हैं, एडिटिंग हो गया एक स्किल। पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना, पैसों को मैनेज करना हो गया एक स्किल। हार्ड वर्क लेकिन किस चीज़ का? हाँ जी आप समझ रहे हो वो वाली चीज़।
आज घर जाके पेन पेपर लेना और एक यूट्यूब करना कि टॉप 30 स्किल्स क्या है। ऑलराइट सब सब प्लीज आप ये करना, ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग ना एक छोटा सा क्रिएट करेंगे। मैं आप सब लोगों ने चैंपियन मान, आप सब लोग चैंपियन हो फ्यूचर, आप भी ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। ये ना मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट, अगेन डोंट टेक मी रॉन्ग कि मैं किसी को पॉइंट करके कि उसको मतलब बड़ा सा एम्बैरेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लो कॉन्फिडेंस की निशानी है, आप मानते हो चीज़। बट पहले उसको मुझे आप बता दो उसका नाम क्या, उस भाई का रेड टी शर्ट सागर, सागर के लिए बता रहे हैं। आज से 2 साल के बाद कभी भी आप सागर को मिलना, इन केस कभी मुलाकात हो, सागर विल बी डिफरेंट, सागर डिफरेंट रहेगा, सागर यू नो कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा, उसका कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं होगा, उसका वीक सेल्फ इमेज नहीं होगा, ही विल शाइन। ये सागर इसके नाम के अनुसार ये सागर होंगे, सागर हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान रहेगा। और ये मैं एक पॉजिटिव तरीके से कहता हूँ, सीरियसली, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पीछे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके अंदर बहुत टैलेंट होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होता है, वो लोग ना कुछ अलग करते हैं, ऐसे वो ट्रेडिशनल पाथ के लिए जाते हैं कि ग्रेजुएशन किया, जॉब मिल गई, शादी हो गई, सेटल, नहीं, वो लोग ना कुछ ऐसा हटके करते हैं जो अपने परिवार को ना अलग ही दिशा में ले जाते हैं। वेलकम सागर, एक बार हम सब खड़े होंगे। सिर्फ 10 मिनट और सुन लो प्लीज। अभी हम लोग एक क्रिएट करेंगे, जब भी मैं बोलूंगा हु एम आई, आप लोगों को बोलना है चैंपियन, ऐसे करके जैसे नारा लगाते हैं ना, हु एम आई चैंपियन, जोर से बोलना है, दीवारों को हिला देना, इस तरीके से बोलना है। और क्या बोलना है, ये मैं बोलूंगा यहाँ तक, ऑलराइट, सबको दिखाई दे रहा है, मैं बोलूंगा यहाँ तक, फिर मैं बोलूंगा हु एम आई, तो आपको बोलना है चैंपियन, हर लाइन के साथ आपको बोलना है मेरे, लेकिन हु एम आई नहीं बोलना, वो मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है चैंपियन। डन, यस सर। एक हाथ अपने यहाँ पे और एक हाथ से हम लोग नारा लगाएंगे, और ये एक तरीके की ना मतलब ये एक तरीके की मतलब आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि हम लोग वही बनेंगे, ऑलराइट, ओके, आई एम बोर्न टू बी ग्रेट, बोलो मैं बोलूंगा आई एम बोर्न टू बी ग्रेट, आपको रिपीट करना है, आई एम बोर्न टू बी ग्रेट, आपको सिर्फ एक लाइन रिपीट नहीं करनी मेरे साथ, हु एम आई, वो मैं अकेला बोलूंगा, जब मैं हु एम आई बोलूंगा आपको बोलना है चैंपियन। ये मेरे साथ साथ बोलना है आपको, तीन लाइनें, और सिर्फ ये नहीं बोलना हु एम आई, जब मैं हु एम आई बोलूंगा आप लोगों को बोलना चैंपियन, आगे समझ में, यस सर, ओके, फिर से करते आप प्लीज, ऐसे बोलो पूरा जैसे नारा लगाते, ठीक है, रेडी, आई एम बोर्न टू बी ग्रेट, आई एम बोर्न टू मेक ए डिफरेंस, I work smart every day. I grow fast every day.
शीशे पे खड़े होके सामने अपने आप से, तो डू यू थिंक यार आपकी वीक सेल्फ इमेज रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, यू नेम इट एंड यू विल डू इट। और जब जब अभी तो क्या है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप स्कूल्स में हो, टीचर्स आपको मॉनिटर करते हैं, पेरेंट्स आपको प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, जब आप कॉलेज चले जाओगे ना तो कोई भी आपको इतना मॉनिटरिंग मिलेगा ही नहीं, आप लोग फ्री रहोगे, और वो सबसे डेंजरस टाइम रहता है, जब आप फ्री रह जाते हो ना तो आप थोड़ा सा लिबर्टी ले जाते हो, और वो सब चीज़ें जो आपको अभी तक करने से रोका गया उन सब चीज़ों की तरफ आप चले जाते हो, और जो आपको आपके गोल्स, आपके विजन, आपके मिशन में रुकावट कर सकता है। These are the affirmations which is very necessary to grow fast in your life. हर कोई एक होता है यार जो अपने परिवार को ना निकालो के ले जाता है गरीबी से, एक बंदा पीढ़ी में आप लोग वो बन, भूल जाओ कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, आपके पापा आपके ग्रैंडफादर को फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, नहीं, अभी से गोल बनाओगे ना और अभी से काम करना शुरू करोगे, जब आप अच्छे मार्क्स लेके आते हो ना नो डाउट यार उसका फायदा होता है, लेकिन जब आप इंटरव्यूज में जाओगे ना एक बार वो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना वो ऐसे ऐसे देखेगा कि कितने परसेंट आए, उसको बंद करके ना साइड में रख देगा फाइल को, और फिर वो आपसे बातें करना शुरू करेगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं स्कूल से निकलने के बाद, जो भी आपको नहीं दिख रहे, बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे ना 10 से 12 हज़ार रुपये की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। I don't want you to be here. I want you to do something big in your life. जरूरी नहीं है academics हो। ऐसे आपने देखो Facebook का जो भी creator है, जिसने Insta बनाया, जिसने Twitter बनाया, सर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सचिन तेंदुलकर है, 12th पास है, क्या नाम है उसका। इन सब चीज़ों को लेके मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, उसको बोलते हैं स्पार्क फ्रेमवर्क, S-T-A-R-K। उस स्पार्क फ्रेमवर्क में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको मैं एक बुक लिख रहा हूं, नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स, जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो ना तो एक लाइफ का स्टेज होता है, वो आप उस पे खड़े होके लाइफ के प्रॉब्लम्स को आसानी से एंजॉय कर सकते हो, क्लेम योर फ्यूचर, फ्री 1-on-1 कॉल्स देते हैं, उनके बारे में उनका एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है वो बताते हैं उनको, उनके सबकॉन्शियस माइंड से वो बातें निकलवाते हैं कि जो एक्चुअल में करना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है कि यार मेरी हॉबी भी है ना, मेरा पैशन भी है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। आप ऐसा क्या काम है जो आप बिना पैसे के भी कर सकते हो, उसमें आप कितना मजा आता है टाइम का ही नहीं पता लगता। जो कि गिवर रूटीन का बात हुआ ना, हम उन गिवर रूटीन करा दूंगा अपने साथ ऑनलाइन जूम, वो कैसे होता है थैंक्स टू द कोविड सबको ऑनलाइन क्लासेस लेना भी आता है, हम वो गिवर रूटीन कराते हैं, आपके गोल्स क्या होते हैं एक्चुअल में, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको गोल क्लियर कराने में हेल्प करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को डिस्कवर करो, आपकी हॉबीज, आपका पैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या, आप करना क्या चाहते हो एक्चुअल में, बिल्डिंग करेजियस मसल, बहुत सारी चीजें जो नहीं होती आपको पता है कि अगर ये कर लूंगी तो कर लूंगा तो बेनिफिट होगा, लेकिन वो करेज कहाँ से लेके आएंगे, वो करेज मसल होता है, बिल्ड करना पड़ता है करेज मसल, और बहुत सारे अगर बोनसेस होते हैं उसके लिए एक फ्रेमवर्क भी देते हैं जिसको कहते हैं स्पार्क फ्रेमवर्क। एस से बनता है सेल्फ अवेयरनेस, जिसके अंदर आपकी सेल्फ डिस्कवरी और इंटरेस्ट का पता लगाते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ, आप अपने बारे में खुद और पहचानते हो कि मैं एक्चुअल में हूं क्या, अगर कोई आपसे पूछेगा आप क्या हो तो आप अपना नाम नहीं बताओगे, आप एक्चुअल में हो क्या, इसका मतलब होता है कि आपका बिहेवियर, आपकी वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स क्या है। टी से बनता है पर्पस, आप कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे व्हाई क्लियर होना चाहिए, व्हाई क्लियर का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल बहुत नहीं आप नॉन मेडिकल लिया, क्यों लिया, आपको आगे उसके कुछ करना होगा, उससे लिया है या किसी के प्रेशर में लिया है या आपके फैमिली में रिलेटिव में किसी ने बोला, आपको पीछे वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हो आप, पढ़ाई को छोड़ दो, आप अपनी आपकी कोई हॉबीज है, क्यों कर रहे हो एक्सरसाइज, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका शरीर फिट रहेगा, तो उसके पीछे लॉजिक है ना, वाई वाई क्लियर होना चाहिए आपका। फाइंड योर गोल एंड पैशन,
आपका गोल गोल सेटिंग के ऊपर ना पूरा दो घंटे भी बोल तो कम है। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका गोल यही नहीं पता रहेगा कि मेरा गोल क्या है, मेरे को पहुंचना कहाँ पे है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, जब कोई आपको रिजेक्ट कर देता है किसी चीज में, या आपको कोई बोल देता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे आपका एटीट्यूड कैसा रहता है? आप डिप्रेस हो जाते हो, इसने मेरे को ना किया या मैं मेरे को उस चीज से निकाल दिया है, मैं रिजेक्ट कर दिया उसे। आपका गोल आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जिंदगी खराब, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं से तो हो ही नहीं सकता यार, वो इतना आगे पहुंच गया मैं से कुछ नहीं हो सकता, ये सब लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए ना, वहीं की वहीं रुक जाओ और पूछो क्या ये थॉट्स मुझे हेल्प कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो किक दम आउट, निकाल दो उनको बाहर। जब भी अपने आप को पकड़ लो ना, वो नेगेटिव विचार चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, इज इट हेल्पफुल, नो, इफ नॉट देन किक दम आउट, सिंपल रूल। रिजिलियंस, लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड सेटबैक्स, कहीं पे भी फेल हो जाते हो डोंट गेट डिप्रेस्ड, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस और हम होते हैं डिप्रेस, लेकिन बैठो और उसका ना पूरा रिपीट करो, रिवाइंड करो कि मैं कहाँ पे मेरे से गलती हुई जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, और उसे सीख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स एंड सेटबैक शोज योर रिजिलियंस और रिजेक्शन हैंडलिंग, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी रिजेक्शन कहीं पे मिलता है उसको हैंडल करना आना चाहिए यार, मतलब और ज्यादा चार्ज हो जाना चाहिए इंसान। जब आप ये सब कर लेते हो तो देन के स्टैंड्स फॉर टीम लाइफ, आप प्रमोट करते हो हेल्दी लाइफस्टाइल को, फिजिकल मेंटल वेलनेस को और बैलेंस्ड टाइम मैनेजमेंट, ये स्पार्क फ्रेमवर्क है। और जब आप इस फ्रेमवर्क पे काम करते हो, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का भी उस लेवल की क्लैरिटी नहीं होगी, इसलिए ये लोग हम लोग कराते हैं। तो जो ये कोर्स है